हेलो हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स. एंड यस, आई वेलकम यू टू द बाईजूस एग्जाम प्रेप. और बाईजूस एग्जाम प्रेप में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ. एंड माई सेल्फ शिखा, मैं हूँ आपके पेपर टू ज्योग्राफी फैकल्टी. एंड आई होप एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट. तो फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए. हेलो पिंकी, हाउ आर यू, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन वंस अगेन. हाय शिवांगी. ऑल राइट शिवांगी, ऑल इज वेल शिवांगी. हाय पिंकी, जल्दी जल्दी से सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन. हाय अन्नू, हाय मिनाल, हाउ आर यू. यस, सो वी कैन, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक छोटा सा सेशन है. आज हम इम्पोर्टेंट सी एक थ्योरी है. सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट थ्योरी, जो गुनूर मिडराल की थ्योरी है. थैंक यू शिवांगी. हाय सत्रुपा, हाय अनु, हाय मिनाल, हाय महिमा, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, यस, थैंक यू शिवांगी. गुड इवनिंग रोहित, मेरा कौन सा बर्थडे है रोहित? तुम रोज मेरा बर्थडे बनाते हो. हाँ, टुडे इज नॉट माई बर्थडे. इफ यू आर सेइंग टुडे इज माई बर्थडे, देन यू हैव टू गिव अस अ टॉफीज. आपको मुझे बर्थडे की टॉफी देनी पड़ेगी. पर आज मेरा कोई जन्म दिवस नहीं है. हाय बाबूला, हाय बाबूला. नहीं शिवांगी, डोंट बी लाइक दैट. बी अ स्पॉटी, ओके? बी अ स्पॉटी, हमें ऐसा नहीं सोचना होता है, ओके? सो दैट इज ओके. हम बड़ा वाला कप जीत लेंगे, इट्स ओके, है ना? ज्यादा नहीं सोचते हैं. आई नो दैट वी आर बेस्ट. यस, ये आप रोहित से पूछो पिंकी, दैट ही इज सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे एवरी ईयर. मेरे को ही नहीं पता आज मेरा बर्थडे, बताओ. हाँ, कोई बात नहीं, ठंड आ रही है ना, तो उसका प्रभाव भी हो सकता है. चलो, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कीजिए. अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. अरे नहीं है रोहित, आज मेरा, माय बर्थडे इज इन जुलाई, आज नहीं है. ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू शिवांगी, थैंक यू सो मच. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड यस, डोंट फॉरगेट दैट माय सेशन ऑन यूट्यूब विल बी ऑन ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, जो कि होता है 8 बजे. तो मुझे परेशान ना करो रोहित, समझे ना तुम. हाँ, और आपकी क्लासेस होती है वेडनेसडे एंड फ्राइडे को, है ना? हाँ, ये रोहित पता है क्या, क्यों? क्योंकि ही वॉन्ट्स चॉकलेट, दैट्स वाई. चलो चलिए, सब याद रखेंगे. तो कल भी हमारा एक सेशन है जो 3:30 बजे, एक जनरल सेशन है जहाँ हम ज्योग्राफी के बारे में कुछ जानेंगे. और रात को 8 बजे कल प्रैक्टिस सेशन है. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द सेशन, ओके? चलो हम स्टार्ट करते हैं. सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है आपका, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं. तो कमिंग ओवर द टॉपिक, आप ध्यान से सुनते चलो, ठीक है? थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है. छोटी सी क्लास है, छोटी सी थ्योरी, पर बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है. मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगती है. सो बात यहाँ से स्टार्ट होती है मिडराल गुनूल से, जिनकी थ्योरी का नाम है कि क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी, ठीक है? सबसे पहले तो ये एक स्वीडिश थे, इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है? क्या थे? स्वीडिश थे, इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है? और इनकी थ्योरी आपको बताया 1956 में आई थी. और इनको ना नोबेल पुरस्कार भी मिला है. इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1974 में, ठीक है? तो सबसे पहले ये तो एक कॉमन सी जानकारी हो गई मिडल साहब के लिए. तो ये क्या है, रीजनल डेवलपमेंट की इन्होंने एक बहुत अच्छी सी थ्योरी दी है जिसका नाम है क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी, ठीक है? एंड दैट थ्योरी इज इन 1951. चलो अब कॉन्सेंट्रेट करो, इसलिए ना तुम लोग सुनते नहीं हो, इसलिए फिर तुम एक एक नंबर से रह जाते हो. सुनो अब कॉन्सेंट्रेट होके, नो टॉकिंग अमंग ईच अदर, आप सुन लीजिए. यस, ठीक है? यस, 1956 में उनकी थ्योरी आई थी और 1974 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है? चलिए अब सबसे पहले, और कौन थे? स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है? यस, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे.
अब सबसे पहले बात करते हैं इनका जो थ्योरी थी वो क्यों अलग थ्योरी थी। देखो सबसे पहले तो ना हम इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। कौन से वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे, ये क्यूमुलेटिव कॉजेशन क्या होता है। देखो क्यूमुलेटिव कॉजेशन का मतलब होता है उनके मतलब से एक ऐसा परिवर्तन, एक परिवर्तन जिस से रिलेटेड बहुत सारे परिवर्तन फिर बाद में आते जाते हैं, है ना। तो कोई एक ऐसा चेंज होगा किसी रीजन में जिसकी वजह से आपको बहुत सारे परिवर्तन होते जाते हैं या एक चक्र का निर्माण हो जाता है ना। तो एक चेंज करा, फॉर एग्जाम्पल आपने एक इंडस्ट्री लगाई और उस इंडस्ट्री से एक चेंज आएगा और उस चेंज से बहुत सारे चेंजेस प्रोत्साहित होंगे, उनको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और उस मोटिवेशन चेंजेस से एक पूरी साइकिल जैसी बन जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इंडस्ट्री लगाई, फिर इंडस्ट्री से अट्रैक्ट होके लोग आएंगे, लोगों को नौकरी मिलेगी, फिर लोग स्किल्ड होंगे, फिर लोगों के पास पैसा आएगा, फिर जनसंख्या बढ़ेगी वहां पे। यस वहां पे क्या होगा, वहां पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो एक चेंज से बहुत सारे चेंजेस हैं, जो गुनूर मिडरेल बोलते हैं कि एक चेंज। तो क्यूमुलेटिव कॉजेशन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा चेंज जो दूसरे चेंजेस को प्रोत्साहित करे, मोटिवेशन दे और जिसकी वजह से एक चेन जैसी, एक साइकिल जैसी बन जाती है, उसका मतलब होता है क्यूमुलेटिव कॉजेशन। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी उनके बारे में। देखो सबने तो बोला रीजनल डेवलपमेंट है ना, कि जैसे जैसे किसी क्षेत्र का विकास होता है, या मैं बोलूँ कि किसी किसी क्षेत्र में जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो और भी प्रदेशों का डेवलपमेंट होता है, रीजनल डेवलपमेंट होता जाता है। पर जो गुनूर मिडेल थे वो क्या बोलते थे, क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ती हैं। जैसे जैसे विकास होता है ना, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे असमानताएं, रीजनल इम्बैलेंस बढ़ जाता है। बाकी सब जो थ्योरीज आप पढ़ोगे ना, उन्होंने बोला है कि डेवलपमेंट के साथ साथ में चीजें ठीक होती जाती हैं। बाकी सब क्या होती, जस्ट अ मोमेंट, समथिंग हैपेंड टू माय दिस, ओके जस्ट अ मोमेंट, है ना। उनके साथ में क्या होगा, उनके साथ में डेवलपमेंट होता चला जाता है। ठीक है, पर गुनूर मेडरल क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू गुनूर मेडरल, हाँ पॉपुलेशन 8 करोड़ हो गई है। ठीक है, तो गुनूर मेडल ने ये बोला है कि दैट इज इट मींस कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, किसी रीजन का एक डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे और रीजन्स में असमानताएं बढ़ती जाती हैं। तो सबके एवेज में उन्होंने उल्टा बोला है, ठीक है ना। और उनका ऐसा मानना है कि थ्योरी में उन्होंने ये चीज बोली है कि कोई भी शहर का, कोई भी जगह का विकास कहाँ से स्टार्ट होता है, वहां पर कोई ज्योग्राफिकल क्या बोलोगे आप, ज्योग्राफिकल एडवांटेज होगा, कोई भौगोलिक उनके पास में ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से किसी शहर का या किसी जगह का विकास होता जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करके चलिए आपके पास में दो रीजन है ना। यस यस यस, है ना, आपके पास में एक रीजन है, रीजन ए और रीजन बी, है ना। आपके पास में एक रीजन है ए और एक रीजन है बी। ठीक है, अब मैंने बोला कि एक रीजन है ए और एक रीजन बी, तो ए के पास में कुछ भौगोलिक एडवांटेज है, फॉर एग्जांपल उसके पास में पोर्ट हो सकता है, ठीक है, या उसके पास में कुछ ऐसी स्थल आकृतियां या कुछ रिसोर्सेज हो सकते हैं, है ना। तो किसी रीजन को विकास करने के लिए क्या चाहिए होता है, किसी भी क्षेत्र को विकास करने के लिए अकॉर्डिंग टू गुनूर मिडेल उसके पास में क्या होगा, कोई ना कोई ज्योग्राफिकल एडवांटेज, और उसी एडवांटेज का फायदा उठाकर वहां पे क्या स्टार्ट होगा, डेवलपमेंट, है ना। तो ए था और बी था, बी के पास में समझ लो कोई पोर्ट है ना, या समझ लो उसके पास में कोई रिसोर्स है, तो उसके इस पॉइंट को उठाकर यहाँ पे क्या होगा, विकास स्टार्ट हो जाएगा, और उस विकास से क्या होगा, धीरे धीरे ये एक ग्रोथ पोल, एक सेंटर के जैसे विकसित होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये विकसित होगा ना, तो दूसरे जो प्रदेश है उनमें क्या हो जाएगी, उनमें और ज्यादा कमियां आती जाएगी, उनका विकास और भी कम होता जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा कि ये जो ए था जिनमें विकास डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, उसकी वजह से जो आसपास के छोटे छोटे, या मैं बोलूं पेरिफेरल रीजन, या मैं बोलूं आसपास के रीजन, उनसे आउटफ्लो स्टार्ट हो जाएगा। आउटफ्लो का मतलब क्या होगा भाई, ये डेवलप्ड हो रहा है ना,
इसके डेवलप होने की वजह से जो जितना भी निवेश होगा ना, सब लोग ए में करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए बहुत ज्यादा विकसित हो रहा था, ए में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, ए में इतना कुछ विकास होना स्टार्ट हो गया कि जिसकी वजह से बी जो है, जिसको बेचारे के पास वैसे ही कुछ नहीं था इन्वेस्टमेंट के नाम पे, पर वो बाकी का भी ए में चला गया। क्योंकि आपको भी पता है हम वहीं पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां पर पहले से ही डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यस, अगर डेवलपमेंट नहीं, दिस इज नॉट अ स्प्रेड इफेक्ट, दिस इज अ बैकवॉश इफेक्ट, है ना, कि बी का जो इन्वेस्टमेंट था वो भी ए में चला गया, है ना। बी में जो पैसा लगा रहे थे लोग, वो भी ए का विकास देखकर, क्योंकि ए के पास में एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज था, जिसकी वजह से क्या हो गया, लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, वो विकसित 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 होता चला गया, और जिसकी वजह से आसपास के छोटे मोटे प्रदेश जिनके पास थोड़ा बहुत भी पूंजी थी, वो भी कहाँ चली गई, ए के पास, मतलब उस प्रदेश के पास जो विकसित था। तो वो क्या हो गया, आउटफ्लो माना गया है। क्या माना गया है? आउटफ्लो माना गया है। इस तरीके से क्या हुआ कि भाई आउटफ्लो होता चला गया, ठीक है। तो बी जो कि विकसित नहीं था, वो और भी कमजोर होता चला गया है, ठीक है ना। तो गुनूर मेडरेल जो थे वो ये बोलते थे कि इससे क्या हो रहा है, इससे क्षेत्रीय भिन्नताएं बढ़ती जा रही हैं। यस, क्या बढ़ती जा रही है, इससे क्षेत्रीय भिन्नताएं क्यों बढ़ रही है। बाकी सब बोल रहे विकास हो रहा है, पर गुनूर मेडरेल बोलते हैं नहीं, क्षेत्रीय भिन्नता क्यों, ए रीजन तो जो था वो विकसित होता जा रहा है, और जो छोटे आसपास के जो छोटे रीजन थे ना, उनको वो खाता जा रहा है। तो इससे क्या हो गया, भिन्नताएं बढ़ेंगी। इसीलिए गुनूर मेडल की जो ये थ्योरी थी कॉजेशन वाली, ये बोलती थी कि एक विकास से बहुत सारा विकास होगा, पर इससे रीजनल डिस्पैरिटीज या भिन्नताएं भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। और ये हमें समझ में भी आता है ना। ये अगर आप देखोगे तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, तो कुछ रीजन जिनके पास में अच्छा सिस्टम, अच्छा पोर्ट था, जैसे आप देखो दिल्ली देख लो, या आप बॉम्बे देख लो, या मैं बोलूँ आपको बेंगलोर देख लो, है ना, जो चार क्वाड्रेंट्स आप पढ़ते हो, उनके पास में कुछ ना कुछ ऐसी विशेषताएं जो वो बड़े सिटीज बन गए, तो वो आसपास के विकास को भी खा गए हैं, है ना, अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो किसी भी शहर में अगर मैं बोलूं, मैंने बोला कि कोई शहर है उसको ग्रोथ पोल, यस, उसको ग्रोथ पोल, ग्रोथ पोल का मतलब क्या हुआ, सारे विकास का सेंटर बन गया वो, क्या बन गया, सारे विकास का वो सेंटर बन गया। तो वो बनता कैसे है ना। तो गुनूर मिडल ये बोलते हैं कि सपोज कीजिए, सुने कहानी के जैसे, है ना, कि सपोज करें कि एक इंडस्ट्री थी, है ना, तो एक इंडस्ट्री यहाँ पे मैंने लगा दी, फॉर एग्जाम्पल एक रीजन है मेरा ए, मैंने यहाँ पे एक इंडस्ट्री लगाई, ठीक है। अब इस इंडस्ट्री को, ये इंडस्ट्री पहले से ही क्या थी, विकसित थी, पुरानी इंडस्ट्री थी, तो इसके ना आपको दो लिंकेजेस देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्रीज में आपने लिंकेजेस देखे होंगे ना, एक बैकवर्ड लिंकेज होता है, एक फॉरवर्ड लिंकेज होता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज में हमेशा दो लिंकेजेस चलते हैं, क्या हो रहा है ये, है ना, कैसे चलते हैं, दो लिंकेजेस चलते हैं, और वो दो लिंकेजेस कौन कौन से होते हैं, वो दो लिंकेजेस होते हैं फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस, है ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज का विकास इसी तरीके से होता है, और वो डिपेंडेंट, वो आधार भी इसी पर चलती है, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड का मतलब होता है सपोज करो कि ये इंडस्ट्री है ना, मैंने जो आपको इंडस्ट्री बताई, ये इंडस्ट्री किसी रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट है ना, किसी रॉ मटेरियल इंडस्ट्री पे, एक इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल बनाती है, सपोज करो ये टॉय इंडस्ट्री हुई, ठीक है। अभी टॉय इंडस्ट्री जो है किसी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लेती है, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल लेने के लिए पीछे जिस इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट होती है उसको बैकवर्ड इंडस्ट्री बोलेंगे, बैकवर्ड लिंकेज, भाई पीछे से सामान आ रहा है, ठीक है। और ये टॉय जो है खुद के पास तो रखेगी नहीं, आगे हो सकता है किसी इंडस्ट्री को ये एज अ प्रोडक्ट बेच रही हो, तो जिस इंडस्ट्री को ये एज अ प्रोडक्ट अपना सामान बेच रही है वो इसकी फॉरवर्ड लिंकेज हो गए, क्या हो गए, इसके फॉरवर्ड लिंकेज हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है, क्या हो रहा है ये,
है। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से इंडस्ट्रीज जो है बेसिकली हमें क्या दिखती है, इस तरीके से इंडस्ट्रीज का विकास होता है। कोई भी इंडस्ट्रीज होती है, या तो वो फॉरवर्ड बैकवर्ड बेस्ड इंडस्ट्री होती है या वो फॉरवर्ड बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। पर इस तरीके से इंडस्ट्रीज का विकास होता है। तो एक रीजन था, बार बार मेरे डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक रीजन था जो रीजन में एक इंडस्ट्रीज थी, जो समझ लो टॉय इंडस्ट्री थी, तो इधर से वो रॉ मटेरियल ले रही थी, दैट इज अ बैकवर्ड, और इधर वो बेच रही थी, दैट इज अ फॉरवर्ड लिंकेज, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से वहां पर उस इंडस्ट्री का और ज्यादा विकास होगा, ठीक है। अब उस इंडस्ट्री का जब विकास होगा तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगी नई जॉब्स, ठीक है। क्या देखने को मिलेगी, वहां पे आपको नई जॉब्स देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगर नई जॉब्स आ गई उस इंडस्ट्रीज में, उस जगह पर, तो क्या होगा, उस जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो है नई जॉब पाने के लिए क्या होंगे, स्किल्ड हो जाएंगे, है ना। हम क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, तो उसके चक्कर में हम क्या करेंगे, उसके चक्कर में हम और भी ज्यादा स्किल्ड होंगे कि भाई ज्यादा अच्छे से मेहनत करते हैं, ज्यादा और गुण पा लेते हैं ताकि हमें नौकरी ज्यादा मिले, ठीक है। तो एक इंडस्ट्री थी, एक इंडस्ट्री के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की वजह से वो डेवलप हुई, उसके डेवलप होने की वजह से लोगों को नई रोजगार मिले, और उसको नई रोजगार मिलने की वजह से क्या हुआ, नई रोजगार मिलने की वजह से तो भी आएंगे ना, तो उनको रोजगार मिल, हाँ रोजगार मिलेगा, पर वो रोजगार फिर क्या होगा, कुछ लोग सोचेंगे कि हम और ज्यादा क्या हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं ना, हम और ज्यादा अगर हम अपने आप को निखार लेंगे तो हमें अच्छा काम मिलेगा, तो लोग स्किल्ड हो जाएंगे, ठीक है। और स्किल्ड हो रहे हैं तो क्या मतलब कि लोगों को लग रहा है डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, तो नई जॉब्स आई, लोग स्किल्ड हुए, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ना मतलब क्या हो गया कि भाई आपके पास में अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है इसके पास में कि लोगों की जो जरूरतें हैं वो बढ़ रही है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा है, और लोगों के पास पैसा है इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, और पॉपुलेशन के बढ़ते ही क्या होगा, पॉपुलेशन के बढ़ते ही लोगों के पास पैसा आते ही लोगों की क्षमताएं बढ़ जाती है खर्च करने की। तो अगर ज्यादा लोग हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, और अगर गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेगी, है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने का मतलब है कि वो एरिया विकसित हो रहा है, वहां और इन्वेस्टमेंट आता जाएगा, है ना, वहां और इन्वेस्टमेंट आता जाएगा, और वो एरिया ग्रोथ पोल के जैसा हो जाएगा, मतलब सारा का सारा केंद्र जो विकास का है वहीं चला गया, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट आया, वो और विकसित हुआ, और वहां और इनोवेशंस और क्या हो जाएगा, और इंडस्ट्रीज आती जाएंगी। तो जो एरिया जो पहले से विकसित हो रहा था, वहां पे इतने सारे फैक्टर्स होने की वजह से वो ग्रोथ पोल बन जाता है, ठीक है। और उसके ग्रोथ पोल बनने की वजह से क्या होगा, वो आसपास के ये जो पेरिफेरल रीजन है ना, इसको खाना स्टार्ट कर देगा। क्या करा, इसको खाना उसने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ आ गया, इनकी तरफ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि यहाँ जो लोग थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे ना, उन्होंने ही इन्वेस्टमेंट यहाँ करना छोड़ दिया। क्यों भाई, यहाँ पे तो ज्यादा फायदा हो रहा है ना, यहाँ तो ज्यादा पैसा मिल रहा है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ लोगों के पास क्षमता भी है, क्षमता के अलावा यहाँ पे लोगों के पास स्किल्ड लेबर्स भी हैं, हर कुछ यहाँ पे अच्छा है, तो कौन ही आपको लगता है कि बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इस तरीके से जिस रीजन के पास में कोई एडवांटेज होता है, या मैं बोलूँ कुछ एक्स्ट्रा होता है, वो विकास होना, उसका विकास होना स्टार्ट होता है, और इस तरीके से दैट रीजन इज बेसिकली अट्रैक्टिंग सारे रिलेटेड फैक्टर्स, जॉब हो जाना, स्किल लेबरर्स हो जाना, लोगों के पास प्रोडक्शन, लोगों के पास डिमांड आना, पैसा आना, खर्च करना, फिर लोगों गवर्नमेंट के पास टैक्स आना, जैसे गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा तो गवर्नमेंट स्टार्ट इंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्टिंग वर्क, और वो तो इससे इन्वेस्टमेंट आता है, और इन्वेस्टमेंट से वो रीजन ग्रोथ पोल बन जाता है। जैसे कि आपके चारों जो क्वाड्रेंट है ना, आप उनको एग्जाम्पल लेके चल सकते हो, तो उन्हीं की वजह से आप देखो भाई, कोई कोई फायदा था और गवर्नमेंट ने वहां पैसा लगाना स्टार्ट किया, और वो देख लो आप दिल्ली के हाल देख लो, इधर आप हुगली रीजन के हाल देख लो, सब यही है, क्योंकि गवर्नमेंट एक एक विकास का लहर चली, और वो ऐसे साइकिल के तरह चली कि पूरा का पूरा जो शहर या फिर स्टेट था वो इस तरीके से विकसित हो गया। सो दैट इज द रीजन जो क्यूमुलेटिव कॉजेशन बोला जाता है, या जो वो एक एक परिवर्तन बोला जाता है, जो परिवर्तन बाकी के परिवर्तन को भी साथ में लेकर आता है,
और इसी की वजह से उन्होंने क्या बोला है, विकास जो है वो सिर्फ उस रीजन में ही होता हुआ नजर आता है और वो विकास आसपास के प्रदेशों को खा जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया है कि रीजनल इम्बैलेंस, या जो जिसको बोलते हैं ना विभिन्नताएं जो बोलते हैं, या मैं बोलूं जो डिस्पैरिटीज हैं, वो बहुत ज्यादा क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, इसी प्रक्रिया में उन्होंने दो इफेक्ट्स दिए हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया में उन्होंने दो इफेक्ट्स दिए। हाँ है ना, ये तो हमें भी समझ में, क्योंकि सारी पूंजी शिवांगी वहीं चली गई ना, ग्रोथ पोल में। अगर सारी चली गई तो फिर ऐसा ही होगा ना, तो वही विकसित होता जा रहा है। आप भी तो देखोगे अपने इंडिया में, तो वही इंडिया में तो रीजनल डिस्पैरिटीज देख लीजिए कितनी है ना, तो वो एप्ट भी बैठती है इस पे। ठीक है, इसी पे उन्होंने दो इफेक्ट्स दिए हैं जिसको बोलते हैं, एक तो बैकवॉश और एक बोलते हैं स्प्रेड इफेक्ट, है ना। अब बैकवॉश क्या होता है, बैकवॉश जो है बेसिकली वही ए और बी समझ के चलो, है ना। ये ए था जिसको मैंने ग्रोथ पोल बनाया अभी इतने सारे कारण से, ये ग्रोथ पोल है और ये आपका बी रीजन है। ठीक है, अब बैकवॉश क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, यहाँ सारा डेवलपमेंट हो चुका है, तो बी से ना उल्टी धारा चलेगी, है ना। जैसे उल्टी धारा चलना स्टार्ट होगी कि भाई आप कोस्ट के पास खड़े हो और जो वेव आएगी वो आपको उल्टा ले जाएगी। ठीक है, तो यही आप समझ लो। तो बैकवॉश का मतलब हुआ, क्योंकि ये इतना विकसित हो गया कि बी से ना, सबसे पहले तो समझ लो कि भाई लेबरर्स सारे चले जाएंगे क्योंकि उनको वहां पे काम मिल रहा है, तो सारे लेबरर्स बी से उठकर वहां चले जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा कैपिटल भी चला जाएगा, क्योंकि जो कैपिटल यहाँ था उनको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो कैपिटल भी यहाँ चला जाएगा। और कैपिटल के साथ साथ जो लास्ट में है वो है रॉ मटेरियल। ठीक है, बेसिकली ये ज्यादा है जो उठकर बी से ए में चला जाएगा। रॉ मटेरियल क्यों जा रहा है, क्योंकि क्योंकि रॉ मटेरियल में ए में रॉ मटेरियल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है, इसीलिए। ठीक है ना, ए क्योंकि ए में क्या है, ए में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है ना। हाँ कोई बात नहीं सोनू, ए में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो सारा रॉ मटेरियल कहाँ चला गया, ए में। इसको बैकवॉश बोला, और ये किसकी वजह से हुआ है, एक ग्रोथ पोल के बनने की वजह से, है ना। एक ग्रोथ पोल के बनने की वजह से सारा का सारा डेवलपमेंट बी का उठ के कहाँ चला गया, ए के पास चला गया। ठीक है ना, ए के पास चला गया। तो रॉ मटेरियल भी हो गया, हाँ, दैट इज द कैपिटल भी हो गया, रॉ मटेरियल भी वहीं जाएगा ना जहां जरूरत ज्यादा थी, तो ए के पास चला गया। और इसको बैकवॉश इफेक्ट बोला है, तो इसमें सारे लेबर्स भी चले जाएंगे। इसमें ना आप ब्रेन ड्रेन भी डाल सकते हो, ब्रेन ड्रेन उसमें यूज तो नहीं किया है, पर आप इसमें ब्रेन ड्रेन भी डाल सकते हो कि भाई लोगों को जहां ज्यादा पैसा मिलेगा, तो जो ज्यादा हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे लोग होते हैं वो किस तरफ खसक के जाएंगे, वो सारे के सारे ए में चले जाएंगे। हमने भी देखा है ना, जो IITs IIMs होते हैं वो बेसिकली दे यूज्ड टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, जहाँ उनको बहुत अच्छी सैलरीज मिलती है, तो बी के जितने भी ब्रेन ड्रेन होंगे वो कहाँ जाएंगे, ए में, क्योंकि उनको अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है। तो जो कुशल लेबर हो गए, या जो लेबर क्लास जो भी है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई जो ज्यादा पढ़ लिख गए, जिनके पास ज्यादा डिग्री है, वो भी सारे उठ के ए में चले गए, तो बेचारे बी का तो विकास ही रह गया। तो उस ग्रोथ पोल ने क्या करा, उस ग्रोथ एरिया ने बी को भी खा लिया, बी में कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है ना, इसके अलावा एक इफेक्ट और है जो उन्होंने बोला है, जिसको स्प्रेड इफेक्ट या ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी बोलते हैं। और इसका क्या मतलब होता है, स्प्रेड इफेक्ट या ट्रिकल डाउन का मतलब क्या होता है कि कभी कभार जब हम ए, मैंने बोला ना ए रीजन था, है ना, ए रीजन क्या हो गया, ए रीजन जो था वो बहुत ही विकसित हो गया, है ना, उसने सारा इन्वेस्ट बी का सारा क्या खींच लिया, इन्वेस्टमेंट खींच लिया। ठीक है ना, पर इस ए का इतना विकास होगा कि उसका प्रभाव थोड़ा बहुत बी पर भी देखने को मिलेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे जैसे ना बैंक के ऑफिसेस जो होते हैं वो खुल जाएंगे कि भाई लोगों को जरूरत पड़ रही हो, छोटा सा शहर है, छोटी सी जगह है, तो कोई ना आ रहा हो तो भाई बैंक के ऑफिसेस के भाई लोगों को अकाउंट खुलवाना हो उस तरीके से, तो वो इंस्टीट्यूशनल जो ऑफिसेस होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट आपको बी में दिखने को मिलेंगे, क्योंकि बड़ा कोई नहीं आ रहा, तो छोटे छोटे से बैंक खुल गए कि भाई लोगों को खाता खुलवाना होगा, तो वो भी यहाँ आपको बी में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, इसके अलावा ये देखने को मिलेगा कि
कि कुछ ऐसा सामान है ना, कुछ ऐसा सामान होगा जो हो सकता है कि बी से, जो बहुत ही रीजनल सामान होता है ना कि बहुत वहीं बन रहा है और कहीं नहीं बन रहा है, वो हो सकता है कि वो आपको बी से ए में जाता हुआ नजर आए। तो अगर ऐसा सामान, कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो ऐसा रॉ मटेरियल है जो सिर्फ बी से ले रही होगी, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, गुड इवनिंग शिवम, गुड इवनिंग। अगर ए में ऐसी इंडस्ट्री है जो सपोज करो कि कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो सिर्फ बी में ही मिल रहा है, तो अब क्या करेगा, ए में जो इंडस्ट्री है वो बी के पास जाएगा ही, तो उसकी वजह से क्या होगा, बी में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। पहले तो इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, है ना। दूसरी आर्य अनडेवलप्ड होता है, हाँ दूसरा एरिया तो अनडेवलप्ड होता ही है, अनडेवलप्ड नहीं होता, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है ना, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। पर क्या होगा, जब आसपास का एरिया बहुत, जब वो एरिया खुद एरिया बहुत विकसित होता है ना रोहित, तो आसपास के एरिया में उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो वही प्रभाव है कि भाई बी में क्या हो गया, बी में छोटे मोटे से बैंक्स आ जाएंगे कि भाई चलो लोगों को अगर कुछ चाहिए, थोड़ा बहुत लोन चाहिए या थोड़ा बहुत कुछ चाहिए तो उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा ए ने एक ऐसी इंडस्ट्री लगा दी जिसका सामान सिर्फ छोटा सा सामान ही बी से मिलता है, तो वो छोटा सा सामान भी अगर ए में कोई इंडस्ट्री खरीद रही है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो चलो बी में स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट रुक गया था वो इसी तरीके से तो वापस स्टार्ट होगा। तो क्योंकि आपकी, जब आपका एरिया ऑफ डेवलपमेंट बढ़ेगा, ठीक है ना, ठीक है, जब एरिया ऑफ डेवलपमेंट आपका बढ़ेगा तो यस म्यूचुअल काइंड ऑफ डेवलपमेंट हुआ ना, तो भाई मैं बोलूंगी भाई मेरे को तेरे से इस चीज की जरूरत है, तो वो मुझे मिल रहा है तो उसके बदले मुझे पैसा भी तो मिल रहा है, तो बी को तो कैसे भी करके विकास चाहिए, तो वो विकास के चक्कर में बी उनको वो सामग्री देता है और उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आना क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, ये जो ए है ना, इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना हो जाएगा कि फिर ये अपना क्या जगह ढूंढेगा, तो एक छोटी सी यूनिट, चलो उसने सोचा बी में कुछ भी नहीं है तो मैं अपनी एक छोटी सी यूनिट बी में भी लगा देता हूँ। इस तरीके से आपने देखा है ना, चेन ऑफ फ्रेंचाइजीज खुलते हैं, किस तरीके से खुलते हैं, तो भाई एक जगह आपने इतना डेवलपमेंट कर लिया तो मैंने सोचा कि चलो मैं बी में भी एक छोटी सी इंडस्ट्री डाल देता हूँ, क्योंकि वो क्या हो गया, पास वाले एरिया में, है ना, हाँ आस पास के एरिया में, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। तो ये स्प्रेड इफेक्ट है कि भाई थोड़ा सा बैंक कुछ खुल गया, कोई इंस्टीट्यूशंस खुल गए, या मैंने बोला मैंने उनसे रॉ मटेरियल ले लिया जो बी में मिलता है, मुझे पास भी पड़ रहा है, मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ रहा है, तो मेरा ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट बी में भी देखने को मिल गया। उसी तरीके से मैंने बोला कि यहाँ ए का विकास इतना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो गया कि क्या हुआ, उसकी वजह से मैंने बी को क्या, बी में भी एक फ्रेंचाइजी लगा दी, हाँ सेस टाइप सेस, है ना। तो मैंने बी में भी उसकी क्या लगा दी, बी में भी एक फ्रेंचाइजी, छोटी सी इंडस्ट्री खोल दी, है ना। प्रभाव क्षेत्र ना, आप खोलते हो ना, आप सोचते हो यार एक फ्रेंचाइजी डाल दूं मैं, ठीक है, या मैं ये डाल दूं तो यहाँ भी चल जाएगी थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से जैसे बैक वॉश में उसने सारा खींच लिया था, स्प्रेड में क्या होगा, उसका प्रभाव आपको बाहर की तरफ देखने को भी मिलेगा। तो जो पेरिफेरल रीजन था, जो परिधि क्षेत्र था, तो बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, विकास देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। तो आप ना इस थ्योरी को कैसे, इस थ्योरी को आप कॉमन अगर आप इकोनॉमी से जोड़ोगे तो दैट इज वेरी रिलेटिव, बहुत रिलेटिव लगती है, ऐसा होता भी है, ठीक है ना। उसके अलावा ना उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है जिसपे क्वेश्चन मुझे लगता है कभी बन सकता है। ये बोला है कि जब तक गवर्नमेंट, अगर अगर गवर्नमेंट अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी, गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगी, तो ये जो बैकवॉश इफेक्ट है ना वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको स्प्रेड इफेक्ट है वो कहीं नजर ही नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उसमें बीच में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा, तब ही क्या होगा, वो बैकवॉश और स्प्रेड इफेक्ट के बीच में बैलेंस होगा। अदरवाइज क्या होगा, सारा बैकवॉश इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप कभी भी वो स्प्रेड इफेक्ट समझ ही नहीं पाओगे कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना सा इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा ही नहीं, है ना। इतना सा आपने वहां कहीं कोई फ्रेंचाइजी या कोई इंडस्ट्री छोटी सी लगाई, वो आपको दिखेगी ही नहीं। इसलिए गुनूर मिडरेल ने बोला है कि देयर शुड बी अ इंटरवीन बाय द गवर्नमेंट, सो दैट ये जो इतना बैकवॉश में हम कर्ब कर रहे हैं छोटे एरियाज को या पेरिफेरल एरियाज को, दैट इज अ थिंक। यस, दैट इज अवंतिका, क्लास टाइमिंग्स आर 8, ओके, दैट इज 8 PM, ओके, यस।
सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है कि उन्होंने क्या बोला है, दैट इज अ रोल ऑफ गवर्नमेंट. अगर रोल इंटरवीन नहीं, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही है, तो चल रहा है जैसे ही चलता जाएगा. और एक एरिया इतना विकसित हो गया कि उसका बैकवॉश इफेक्ट, कि सब कुछ उसने आसपास के रीजन से खींच लिया. तो थोड़ा बहुत जो अगर विकास आपको आसपास के प्रदेशों में मिलेगा ना, वो आप नजरअंदाज ही होगा, वो दिखेगा ही नहीं, है ना, कि भाई इतना बड़ा समुद्र था, उसमें से एक बूंद आपको पता ही नहीं चलेगी. सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट. तो ये लाइन जो थी उनकी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना. सो दैट यू हैव टू रिमेम्बर इसके बारे में, ठीक है. सो इसीलिए बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट को उन्होंने डाला है. अगर गवर्नमेंट ना हो तो इम्बैलेंस आप देख ही सकते हो, जो कि रीजनल डिस्पैरिटीज जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो क्षेत्रीय भिन्नताएं जो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी. इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट को इसमें डाला है, ठीक है. सो दैट इज अ गुनूर मिडरल. और उनकी थ्योरी जो थी, वो स्टार्ट जो हुई है ना, वो भी एक बहुत बड़े शानदार से, है ना, बहुत बड़े शानदार तरीके से स्टार्ट हुई है. जैसे कि ज्योग्राफिकल एडवांटेज या कोई भी एडवांटेज आप पाएं, ठीक है. तो वो इम्पोर्टेंट है, कोई एक एडवांटेज किसी भी जगह पर होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज तो फिर चलो कोई बात है, पर हाँ, वो एडवांटेज अगर होगी तो वो विकास अपने आप होता चला जाएगा. हाँ, इट इज नियर क्लियरली टू द ट्रिकलिंग डाउन ऑल्सो. यस, दैट इज अगेन यस. ओके, सो आई होप्स दैट वुड बी क्लियर टू यू. ये सबको क्लियर हुई होगी, ठीक है. सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एज वेल. वैसे तो रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग की सारी थियरीज अच्छी हैं, पर हाँ, दिस इज मोर ओवर, आप इसको पास से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है. यस. शिवांगी, पानी नहीं है मेरे पास, वैसे अब खत्म हो गया. सो आई होप दिस वुड बी क्लियर. अगर फिर भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, सो यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव योर आंसर. ओके, यस, ओके. एंड डोंट एंड शेयर एंड लाइक द सेशन माय डियर स्टूडेंट्स. एंड टुमारो 8 बजे वापस से क्लास है ना. हाँ, मेरा और आपका नाता 8 बजे का है. तो कल तो एमसीक्यूज ही होंगे, जैसे बेसिकली फॉर जेएनयू एंट्रेंस, पर ज्योग्राफी है तो सब आएंगे, है ना. 8 बजे है अवंतिका, 8 बजे कल, 8 बजे कल स्पेशल सेशन है. यस, 8 बजे. वैसे होता है ट्यूसडे को, थर्सडे को एंड सैटरडे को 8 बजे क्लास होती है. नजर तो हाँ आ सकती है, वाई नॉट. हाँ, नजर तो कुछ भी, क्रिटिसिज्म तो किसी भी थ्योरी का हो सकता है. एंड यस, और कल 3:30 बजे भी एक जनरल सेशन है, सो डू ज्वाइन दैट ऑल्सो, ठीक है. 3:30 बजे. हाँ, क्रिटिसिज्म तो तुम इसको कर सकते हो, क्रिटिसाइज तो रोहित इसको कर ही सकते हैं हम. क्रिटिसिज्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट हैज अ वेरी गुड पॉइंट एज वेल. ओके, यस. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी टुमारो एज वेल, माई डियर स्टूडेंट्स. विल डू सम क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द जेएनयू एंट्रेंस और उनके पेपर, उनके डिपार्टमेंट का नाम भी रीजनल डेवलपमेंट है ना. आपको पता है उनके डिपार्टमेंट का रीजनल डेवलपमेंट नाम है. सो वी डू दैट एमसीक्यू सेशन एज वेल. हाँ, कल कब? कल मेरी रात को है, सर की सुबह है, मेरी रात को है. पिंकी, 8 PM, 8 PM. मेरी 8 PM है बेटा, 8 PM रात को, 8 बजे, ठीक है. यस, 8 PM है, शायद नहीं, 8 PM ही है. हाँ, 8 PM ही है. यस, ओके. बाय बाय, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स. विल मीट टुमारो, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी.